पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान ने आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस शपथ के साथ ही पाकिस्तान के वे 22वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। शनिवार को इस्लामाबाद में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू भी पहुंचे और यहां पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख से गले मिलते नजर आए। नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान जाने को लेकर पहले ही विवाद हो रहा है, जिसके बीच उनका एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिससे कांग्रेस के लिए असहज स्थिति पैदा हो सकती है। न्यूज एजेंसी ने वीडियो जारी कर दावा किया है कि सिद्धू ने इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में आए पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बावजा को गले लगाया। शपथ ग्रहण समारोह की एक और तस्वीर चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल जब इमरान खान पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, उस महफिल की पहली पंक्ति में कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को जगह दी गई थी। खास बात यह है कि सिद्धू जिस सीट पर बैठे थे उसके बराबर वाली सीट पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के राष्ट्रपति मसूद खान बैठे हुए थे। इससे पहले पाकिस्तान पहुंचने पर सिद्धू ने कहा था कि इमरान को दोनों देशों के बीच अमन की बहाली की पहल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह भारत के सद्भावना दूत के रूप में मोहब्बत का पैगाम लेकर पाकिस्तान आए हैं। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ राजनेता के रूप में नहीं बल्कि दोस्त के रूप में आया हूँ। मैं यहाँ अपने दोस्त इमरान की खुशी में शरीक होने आया हूँ। सिद्धू ने कहा, हिंदुस्तान जीवे, पाकिस्तान जीवे। For more information, log on to www.clips.in.